हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद अ मंथली चार्ट। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखा है 16,656 पे, लगभग 408 पॉइंट अप, 2.5% ऊपर बंद हुए हैं। या हमने अच्छा खासा ब्रेक डाउन देखा एज एक्सपेक्टेड, जो यूक्रेन रशिया का टेंशन था वो वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। और हमने लगभग 16,200 तक का लो देखा, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी करके अभी 16,650 पे बंद हुए हैं, 408 पॉइंट ऊपर। तो देखते हैं अभी चार्ट पे कैसा दिखता है निफ्टी और आने वाले हफ्ते में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है और क्या टारगेट या फिर क्या ट्रेंड हो सकता है निफ्टी का। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो इस महीने के लिए निफ्टी जो है तो दिखा रहा है लगभग 4% का लॉस, और लगभग हम 705 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 705 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट मंथ जो है तो हम नेगेटिव में क्लोज हुए थे, और इस मंथ जो है तो अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है ऊपर के लेवल से, और फाइनली हमने पिवट को टच किया, उसको ब्रिज भी किया था, वहाँ से बाउंस बैक दे रहे हैं। मंथली चार्ट पे इंडिकेटर जो दिखा रहे हैं कि हम एक डीपर करेक्शन में ऑलरेडी जा चुके हैं, और इसका जो टारगेट रहेगा इस करेक्शन का वो 15,900 से लेकर 15,300 तक रहेगा। और डीपर करेक्शन आया तो हम 13,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। अगर बहुत ही कुछ बुरा हुआ वॉर में, या फिर मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए, या फिर मेजर सिटीज़ पे अटैक हो गया, ऐसा कुछ मेजर होता है तो हम 11,000 तक भी जा सकते हैं, मगर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। 13,000 और 11,000 की पॉसिबिलिटी बहुत है, मगर उसको टाल नहीं सकते हैं क्योंकि वॉर में कुछ भी हो सकता है। मगर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है, और जो लेकर जाएगा निफ्टी को शायद 15,300 तक, या फिर हम S1 तक भी जा सकते हैं जो है लगभग उसके अराउंड ही है, तो 14,700। तो 15,300 से लेकर 14,700 एक आने वाले 3 से 4 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरह से चार्ट पैन आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक बार नीचे के लेवल टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन आता है और कितने दिन तक सस्टेन होता है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है तो एक लंबे बुल रन के बाद करेक्शन में भी जा सकते हैं, कंसोलिडेशन में भी जा सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि टॉप बन रहा है और यहाँ जो है तो हम एक लॉन्ग टर्म करेक्शन में जा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मुझे जो टारगेट दिखते हैं आने वाले दिनों के लिए वो है 15,900 से लेकर 15,300 के, और यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज रहेगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और यहाँ ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रिस्क बढ़ा हुआ है, तो दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक जो है तो हम लगभग 77 पॉइंट लॉस के साथ बंद हुए थे, इस वीक हमने लगभग 622 पॉइंट का लॉस देखा है, लगभग 3.5% बंद हुए हैं। इस मंथ के लिए हम 4% डाउन थे, एक ही हफ्ते में हमने उसका 3.5% कवर कर लिया है, तो इस हफ्ते ने ही ऑल द लॉसेज जो है तो वो एक्यूमुलेट किए। इस हफ्ते का जो हाई था वो था 17,350, लो था लगभग 16,230, तो ऑलरेडी 1100 पॉइंट की रेंज हम इस वीक में देख चुके थे, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है वोलेटिलिटी के साथ। तो ऑलरेडी हमने वीक्स 31 पे जाते देखा था, अभी वीक्स कूल ऑफ होके 26-27 पे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक वीक्स 25 के ऊपर रहेगा मार्केट में जो है तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा और वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी। तो ट्रेडर के लिए अच्छी बात है अगर आप टॉप टू बॉटम एंटर करते हो, तो आपको दोनों तरफ के मूव मिलते हैं, और विक्स की वजह से जो है तो टाइम वैल्यू भी इतनी उसमें आपको डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ एक दिक्कत है कि ऑप्शन सभी बहुत महंगे हो जाएंगे। तो वीकली चार्ट पे हमने पहला ब्रेकडाउन देखा है, और यहाँ जो है तो मैंने जैसे कहा कि रेंज बहुत बड़ी हो सकती है, तो अगले वीक के लिए जो है तो आपको 17,300 तक 300 का मेजर रेजिस्टेंस है जो है 20 वीक का एवरेज, और नीचे सपोर्ट था 16,450 का, तो उसके ऊपर वही से हमने बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ जो है तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी, हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे। तो अगर 17,300 के करीब आता है तो आपको शॉर्ट जाना है मार्केट पे स्विंग ट्रेड के लिए। ये जो ट्रेड रहेगा ये लगभग 2 से 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, या फिर 2 से 3 हफ्ते के लिए भी पकड़ के चले तो 1-1.5 महीने के लिए वैलिड रहेगा। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 450, और नीचे जो है तो मुझे लगता है 15,900 से लेकर 15,300 के टारगेट आपको आने वाले 3-4 हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है एज पर वीकली चार्ट, और हो सकता है कि मार्केट जो है तो फिर से एक बार 17,300 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो है 20 वीक का एवरेज, 20 वीक्स एवरेज।
और यहाँ क्लियरली जो है तो मार्केट ने ऑलरेडी बेयरिश सिग्नल दे दिया था जब हमने 18,500 का लेवल दूसरे बार टेस्ट किया था, तो वहाँ जो है तो अच्छा खासा सेल सिग्नल था और वो ऑलरेडी हमने पैन आउट होते दिखा है। हमने 16,200 का लो ऑलरेडी टेस्ट किया है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो यहाँ जो है तो यहाँ दिक्कत की एक बात है कि हम जो 200 डेज एवरेज है उसके नीचे डायरेक्ट ओपन हुए गैप डाउन के साथ। मैंने कहा था कि ये जो एवरेज है ये तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो ऑलरेडी हमने एक बड़े से गैप डाउन के साथ खुले उसके नीचे ओपन हुए और उसके नीचे ही क्लोज हुई थी वो कैंडल। ये जो है तो ये बाउंस बैक कैंडल है। अभी देखना है कि मंडे के दिन जो है तो मार्केट 16,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये जो रैली है ये शॉर्ट कवरिंग में बदल जाएगी और जो लेकर जाएगी निफ्टी को 17,300 की तरफ। अगर हम 16,750 क्रॉस कर लेते हैं तो अगर उसके नीचे ही रहते हैं तो हम जो है तो हो सकता है कि अगले हफ्ते जो है तो 16,000 और 15,900 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। तो मेरा व्यू क्लियर है 16,750 के ऊपर जो है तो हम सब शॉर्ट काट देंगे और लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे 17,300 के टारगेट के लिए। अगर निफ्टी 16,750 के नीचे रहता है तो हमारा टारगेट रहेगा 16,000 से 15,900। तो यहाँ दोनों तरह और यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, तो आपको एक तो ऑप्शन से ट्रेड कीजिए। ऑप्शन में भी ट्रेड करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी जो है तो उनके प्रीमियम बहुत इन्फ्लेटेड है ड्यू टू हाई वीक्स। और यहाँ जो है तो फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हो तो एक लॉट से ही ट्रेड कीजिए क्योंकि आपको जो है तो 500, 600 पॉइंट का इंट्राडे में मूव देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अभी फ्राइडे के दिन 400-500 पॉइंट का ऑलरेडी हमने मूव देखा है अपसाइड। जिन्होंने शॉर्ट किया होगा थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन उन्हें तो ओपनिंग से ही लॉसेस शुरू हो गए। तो ये आपको हर दिन देखने को मिलेगा। अभी यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी और आपको गैप अप गैप डाउन दोनों तरफ के मूव देखने को मिलेंगे। और यहाँ एक देखने की बात है कि यहाँ हमने एक गैप छोड़ा है तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए 16,750 ये लक्ष्मण रेखा होगी, उसके ऊपर बुलिश जो है तो स्ट्रांग रहेंगे, बुल स्ट्रांग रहेंगे। टारगेट रहेगा 17,300। अगर उसके नीचे जाता है मार्केट तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,000 से लेकर 15,900 और डीपर टारगेट रहेगा 15,300 जो हमने वीकली चार्ट पे देख चुके हैं। तो यहाँ आपको लेवल पे ट्रेड करना है। अगर 16,750 के ऊपर खुलता है मार्केट तो हम जो है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलेंगे या फिर एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलेंगे कम क्वांटिटी में और उसका टारगेट रहेगा 17,300। अगर हम 16,750 के नीचे खुलते हैं तो फिर भी हम एट द मनी पुट ऑप्शन या फिर इन द मनी पुट ऑप्शन लेकर चलेंगे जिसका टारगेट रहेगा हमारा लगभग 16,000 या 15,900। और यहाँ जो है तो आपको 2x गेन दिखाई दे सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन जो है तो उतने गेंस नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि उनके ऑलरेडी प्रीमियम जो है तो इन्फ्लेटेड है ड्यू टू हाई वीक्स। तो जो ऑप्शन 3x होना था वो शायद 2x ही हो क्योंकि हाई वीक्स की वजह से ऑप्शन प्रीमियम इतने बढ़ते नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड होते हैं। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगले हफ्ते के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे जैकपॉट कॉल चाहिए फ्यूचर के तो उसका भी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको जो है तो वहाँ हाई एक्यूरेट कॉल मिलेंगे ऑन व्हाट्सएप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।